चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कोई भी डाउट्स किसी को जनरल का मैम डाउट। मैम, पिछली क्लास में आपने एक इंटरसेक्टिंग लाइन का वो टू यूनिक सॉल्यूशंस बताए थे मैम। वो तो एक ही यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है ना, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दो ही एक्स और वाई। यूनिक टू यूनिक सॉल्यूशंस में कहने का मतलब था कि एक एक्स का वैल्यू और एक वाई का वैल्यू, उसके लिए मैंने बोला था टू यूनिक सॉल्यूशंस। आई डेंट मीन कि एक्स का टू वैल्यूज एंड वाई का टू वैल्यूज, आई मीन वन एक्स का सोल्यूशन आएगा और एक वाई का सोल्यूशन आएगा। ओके मैम, या यस और मैम। बोलो और किसी को कुछ? कुछ नहीं, सबको क्लियर है सब कुछ। ठीक है चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ क्या होता है। जो जीपी होता है उसका मीन निकालूंगा। सपोज मैंने बोला कि टू नंबर्स हैं 7 एंड 9, सबसे इसका नॉर्मल मीन अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 8, सॉरी कैसे मैम, निकाला। 8 हाँ, 7 प्लस 9, a+b/2, हाँ सॉरी बाय a टू प्लस बी अपॉन अपॉन ऑन टू टू टू। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो √7 × 9। इसको एक जनरल फॉर्म में बोलो, जैसे अरिथमेटिक मीन का √8 जनरल फॉर्म है a+b/2, बी तो ज्योमेट्रिक मीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, √AB। अंडर रूट ए बी। नहीं, अंडर स्क्वायर रूट ए बी। क्यों? या क्योंकि अगर सपोज 3 नंबर्स होता 7, 9, 11, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होता, a+b+c/3, और थ्री उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट। नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला कि स्पेसिफाई करो टू, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन में हमेशा क्या होता है, मीन क्या होता है, जितना सारा आपके पास ऑब्जेक्ट्स है आपको सबको यूज करके एक सिंगल उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, करेक्ट। तो अगर आप स्क्वायर रूट करोगे सब नंबर्स को इनटू करके, तो आप इसेंशियली सिर्फ कंसिडर करो कि आप सिर्फ टू ही ऑब्जेक्ट्स का डेटा ले लो, लेकिन एक्चुअल में आप थ्री या जितना भी आपके पास डेटा है आप सब चीज को इनटू कंसिडरेशन ले लो। तो इसलिए क्या करते हैं अरिथमेटिक मीन में, हम लोग उससे डिवाइड करते हैं टू शो कि हम लोग के पास कितना डेटा पॉइंट्स है, कितना ऑब्जर्वेशन था। ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी को रूट बनाते हैं। तो क्लास है अभी, क्या होगा, a b c √ √n, या फिर इसका होगा √7 × 9 × 11। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कॉपी करो एक बार। ठीक है, जैसे हम लोग क्यूब रूट में एन की जगह 3 लिखते हैं जब हम लोग के पास 3 नंबर होते हैं, एंड अरिथमेटिक मीन का भी जनरल फॉर्मूला इवन तो सबको पता है। एक बार राइट इट, अब ये एक इनइक्वालिटी हमेशा याद रखना कि कितना भी नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स हो, हमेशा द ज्योमेट्रिक मीन विल बी लेस देन और इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन।
कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी 3 नंबर्स, 10 नंबर्स, 2 नंबर्स उठा के देख लो, कभी भी नहीं होगा कि उनका जवाब ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे या अरिथमेटिक मीन निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन कभी भी अरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं, वो हमेशा उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता ज्योमेट्रिक मीन। ओके क्लियर है? एबा 7 और 9 के साथ ट्राई करो, होल्ड करते हैं ये इनइक्वालिटी, कैलकुलेट करके बताओ उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन इज 8, ज्योमेट्रिक मीन इज 7.93। सबका यही आ रहा है? यस ठीक है, ये इनइक्वालिटी आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये हम लोग कर ही रहे तो एक और कॉन्सेप्ट करो। ये क्या होगा? एरिथमेटिक मीन वन का बाय ए उल्टा। प्लस वन बाय बी और किसी को कुछ? हार्मोनिक मीन होता है शायद, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी अपॉन ए प्लस बी तो नहीं, हार्मोनिक मीन होते हैं एन बाय वन सिग्मा। बाय हाँ बोलो। एन एन बाय वन बाय एन वन प्लस वन बाय एन टू प्लस वन डॉट 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 वन बाय एन वन वन बाय एन एक्स एन तक एक्स वन एन। तो मतलब अरिथमेटिक मीन में डिनोमिनेटर में एन आता था, हार्मोनिक मीन में न्यूमरेटर में एन आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3, करेक्ट? अभिषेक अभी बोलना चाह रहे थे? हाँ यस मैम, वो ए का जगह मैम एक्स बोलना चाह रहा हूँ, वन बाई एक्स वन। ठीक है, कॉपी करो। सेवन एंड नाइन का हार्मोनिक मीन निकाल के बताओ मुझे।63/8 फ्रैक्शंस में नहीं, डेसिमल्स में बताओ। मैम, कैल्शियम में अगर बार बार एस एन डी का कन्वर्शन नहीं करना तो कोई मतलब फिक्स कर सकता है कुछ? नहीं, कोई फिक्स नहीं कर सकते, हमेशा करना। आ गया आपका कैलकुलेटर 82? हाँ आ गया, यस हाँ गया। जसलीन, आप लास्ट क्लास देखे हो ना? देख ली मैंने लास्ट टू। हाँ, तो इसीलिए आपको पता है फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने कैलकुलेटर में। नो नो मैम, वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं था। जब आ जाएगा तो अच्छा मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या आ रहा है सबका? इट इज 2 बाय 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 9, विच इज 7.875। तो ये क्या ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है कि छोटा है?
छोटा है। छोटा है? तो इस इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे एक्सटेंड करेंगे? ओके लिखो, इस न्यू इनइक्वालिटी को लिखो। सम प्रोडक्ट्स, इस साइन का मतलब क्या होता है? सिग्मा समेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। इट इज एक्चुअली कैपिटल सिग्मा। ये स्मॉल सिग्मा होते हैं और वो कैपिटल सिग्मा होते हैं। तो कैपिटल सिग्मा डिनोट्स समेशन। अब हम लोग कैसे दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक समेशन कर रहे हैं? हम लोग हमेशा सिग्मा के नीचे में पहले तो वेरिएबल लिख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप बता रहे हो समेशन, तो इसका मतलब है कि आप एक ही चीज में अलग अलग वैल्यू डाल के उसको सम कर रहे हो। मतलब सपोज हम लोग ये समेशन साइन कब यूज करते हैं, मान लो समेशन ऑफ आई, एक वेरिएबल के साथ यूज करेंगे हमेशा समेशन को। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये आई को हम लोग को सम तो करने, बट आई क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, हम लोग सिर्फ उन्हीं को सम कर सकते हैं। अगर सपोज आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो वी कैन नॉट डू 1 + 1.5 + 7, ऐसे करके हम लोग नहीं कर सकते। वी हैव टू नो कि ये जो वेरिएबल है ये एग्जैक्टली डिनोट क्या कर रहे हैं। तो दिस थिंग हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू दिस सिग्मा कि आई का क्या रेंज है। सिग्मा हमेशा याद रखना इज ओनली ओवर डिस्क्रीट वैल्यूज, मतलब कंटिन्यूअस नहीं हो सकते कभी भी। सिग्मा हमेशा आपको पता रहेगा कि कहाँ पे करना है। जैसे हम लोग स्कूल में किए थे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या होता था, इट इज समेशन ओवर ओवर कंटिन्यूअस पॉइंट्स। इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये एक चीज है तो इसके अंडर का एरिया इस इंटीग्रेशन का आंसर। दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन मींस, एरिया अंडर अ पोर्शन। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, कंटिन्यूअस पॉइंट्स पे सम कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग समेशन लिखते हैं तो वो होता है डिस्क्रीट समेशन। डिस्क्रीट समेशन मतलब यू कैन से कि कितना कितना पे स्टेप्स है। जैसे अगर 0.5 का स्टेप्स है तो यू कैन से 1, 1.5, 2, 2.5, यू नो कि कितना है। अगर इंटीग्रेशन होता एंड आई वुड से 1, 2, 3, तो उसमें 1, 1.1, 1.1, 1.1, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाता सिर्फ 1 और 3 के बीच में, करेक्ट। लेकिन जब आई सेड कि 0.5 का इंटरवल है तो सिर्फ 5 पॉइंट्स आ रहा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट एंड इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो हमेशा डिस्क्रीट के लिए वी यूज सिग्मा एंड फॉर कंटिन्यूअस वी यूज इंटीग्रेशन। ये चीज अपने माइंड में एकदम इंग्रेव कर लो, क्योंकि दिस थिंग इज गोइंग टू कम पूरा आपके लाइफ में, यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो बोलो, जब हम लोग सिग्मा आई लिख रहे हैं, वी हैव डिसाइडेड कि आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग को बोलना होगा कि आई 1 से इन्फिनिटी जा रहा है एंड साइड में लिखना है आई बिलोंग्स टू एन। तो इसको
तो इसको हम लोग एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे? इफ आई एम राइटिंग दिस, तो इसको हम लोग एक्चुअल में कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक्सपैंड करके? ट्राई करो. 1 + 2 + 3 + till infinity. वेरी गुड. ऐसे एक्सपैंड करेंगे. अगर सपोज आई राइट, इसको कैसे एक्सपैंड करके लिखेंगे? 2 + 2 + 9 or 4 + 9. 1² + 2² + 3² = 10². ये जो हम लोग का अपर लिमिट है, ये आंसर के ऊपर नहीं है. जो अपर लिमिट है वो सिर्फ आई के वैल्यू पे है. हम लोग का आई स्क्वायर कुछ भी हो सकता है. राशि क्यों रुकी 9 पे? वैदेशी से 4 + 9, क्योंकि अगर वो 3 स्क्वायर, अगर वो 4 स्क्वायर करती तो फिर क्या हो जाता, 16 हो जाता. उसको लगा 16 10 से बड़ा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन दैट इज नॉट ट्रू. यहाँ पे हम लोग रेंज दे रहे हैं आई के ऊपर, करेक्ट? तो इसीलिए ये ऐसे एक्सपैंड होगा. एक और एक्सपेंशन बताओ मेरे को. ये कैसे एक्सपैंड होगा? वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू फोर प्लस वन बाई टू सिक्स टिल डॉट 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 डॉट. और बोलो, और किसी को कुछ लिखते हैं? मैम, 1/2² 1/2 की टू दी पावर 3, 1/2 दी पावर 4. 3 कैसे आया? आई तो हम लोग अज्यूम करें कि हमेशा नेचुरल नंबर्स है. तो 1/2 to the power 3 इफ यू आर पुटिंग इन द सीरीज, तो इसका मतलब है कि आई इक्वल टू 1.5 होना होगा, तभी 3 होगा ये. तो 2³ कभी भी नहीं आएगा इसमें. तो क्या होगा अभिषेक, इज करेक्ट? आया समझ में सबको? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफ एनीवन वांट्स. क्योंकि हम लोग क्या किए, इन लोग 2 to the power i को 1 ले लिए एंड वो स्क्वायर को बाहर ही रखे. तो लोग पहले 2 to the power i निकाल दे रहे हैं और उसको स्क्वायर कर रहे हैं. तो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. अब एक उल्टा चीज करो. इसको मेरे को कंडेंस करके दिखाओ. कंडेंस करके मतलब यू हैव टू यूज आई एंड यू हैव टू यूज सम अदर कॉन्स्टेंट्स विद इट. कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो या कुछ डिवाइड कर सकते हो. स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर रूटिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, कुछ भी करो, बट एक आई को यूज करके उसको सिग्मा के फॉर्म में लिखो. हम इसमें आई बिलोंग्स टू ओड नंबर डाल देंगे. नहीं, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही लेना है. ओड नेचुरल नंबर ले लेंगे. नहीं, मतलब दैट इज द टास्क.
कि आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेके ही आपको यूज करना है, क्योंकि सिग्मा में जब हम लोग डालते हैं तो 99.9% ऑफ द टाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। मैम सिग्मा i = i + 2 कर देंगे तो आ जाएगा, ऊपर में 71 रहेगा। सिग्मा मैम नीचे i = 1 हां ऊपर में 71 ठीक है एंड i + 2 i plus 2 मैम हाँ बोलो वी कैन यूज 2i plus 1 यू आर वेरी क्लोज लेकिन एक बार सोचो i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है 2i minus 1 और रेंज क्या होगा i का i का रेंज 1 टू 72 आएगा No. I का रेंज 1 टू 7 No, I का रेंज 36 आएगा 1 टू 36 कौन समझाएगा मुझे कि ये कैसे आया क्योंकि 1 से लेके 71 का बेस में 36 ऑड नंबर्स हो गए क्या बट समझ में आ रहा है सबको कि ये आंसर कैसे आया यस मैम Is it making sense कि 2i minus 1 को अगर हम लोग 1 to 36 के ऊपर sum करेंगे तो we will get this. Similarly, अगर 3 से start होता है ये series तो क्या होता है? 2i plus 1 ले लेते और ऊपर एक second ये correct है? I नीचे 2 आ जाएगा नहीं i तो सेम रहेगा नहीं ऐसे ही आएगा 35 आएगा मैम i की वैल्यू टिल 35 तक रहेगी ये भी तो देखो खत्म से अभी तक 71 पे हो रहा है तो अब यू आर नॉट सबट्रैक्टिंग 1 यू आर एडिंग 1 तो इसीलिए हम लोग का लिमिट 1 टू 35 में चेंज हो जाएगा ओके क्लियर है सबको सिग्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको यस मैम ठीक है एक और करूं यहां पे यू कैन टेक आई का वैल्यूज एज इंटीजर्स या फिर एक्चुअली तुम लोग आई को नेचुरल नंबर लेके करो मुझे लग रहा थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया लेकिन करना तो पड़ेगा ये सब एसेट का क्वेश्चन है ट्राई करो ट्राई टू फाइंड सम लिंक कि क्या हो रहा है किस टाइप का सीरीज बन रहा है इट्स माइनस वन की पावर एन एंड इंटू वन माइनस फाइव फाइव एन सेकेंड माइनस वन टू द पावर एन एन कहाँ से आया आई 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 ठीक है और इनटू वन माइनस फाइव फाइव वन माइनस फाइव आई आई अच्छा इनटू वन माइनस फाइव फाइव और रेंज बोलो आई का I is equal
1 to 10. 1 to 10. ठीक है, इसमें 10 डाल के देखते हैं. 20 20 20. इसमें एक बार 19 डाल के देखते हैं. ओके, अगर 19 डालेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा -1. और यहाँ पे अगर 19 डालेंगे तो 1 - 5 × 19 = 94. तो -94, तो ये हो जा रहा है +94. और हम लोग का सेकेंड लास्ट टर्म क्या होता, ये कौन बोलेगा कि हम लोग का सेकेंड लास्ट टर्म क्या होता? -94. वी कैन डू 5y - 1. बट वेरी गुड अदिति, ये चीज ट्राई किया, दिस इज वेरी गुड. और किसी के पास कोई और आंसर है? किसी के पास और कोई आंसर है इसका? कोई और जो किसी और लाइंस पे सोच रहा था? देखो अब इसका ट्रिक समझो, क्या करना होता है कभी भी अगर ऐसा सम आता है. सबसे पहले यू हैव टू सी कि अगर साइन चेंज हो रहा है तो मतलब एक ऐसा टर्म तो आपको रखना ही होगा विच विल अलाउ फॉर योर साइन टू चेंज. हम लोग को पता है -1 को आप अगर पावर चेंज करोगे, इफ यू पुट पावर में ऑड नंबर तो वो बस एक माइनस साइन निकल के आएगा. अगर पावर में आप इवन नंबर डालोगे तो वो बस एक प्लस साइन निकल के आएगा. वन का कभी कोई वैल्यू नहीं होता. तो ये वाला कंपोनेंट हम लोग को सिर्फ साइन का सीरीज देख के समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है? वी हैव टू सी, हम लोग को मतलब देखना भी नहीं, दिख रहा है. व्हेन यू सी द सम आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि जो नंबर है उसमें 5 का डिफरेंस हो रहा है बार बार. हाँ, उसमें 5 का डिफरेंस हो रहा है बार बार, तो मतलब देयर हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू 5. कि आपको 5 को कहीं पे तो इनकॉर्पोरेट करना है. देन द इजिएस्ट थिंग यू कैन डू इज कि आपको जब पता है कि यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ 5, आपको पता है यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ -1 टू द पावर समथिंग, देन आप फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू सिर्फ ये दो वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करके ट्राई टू गेट टू सम कॉमन फॉर्म. ऐसा कोई कॉमन फॉर्म, सबसे फर्स्ट वैल्यू अगर हम लोग सोचें तो फर्स्ट वैल्यू में हम लोग i की जगह 1 डाल सकते हैं टू गेट अ माइनस साइन. हम लोग को पता है -4 लाने के लिए हम लोग को एक ऑड नंबर चाहिए पावर में, करेक्ट? एक ऑड नंबर चाहिए पावर में. अब 5 को यूज करके हम लोग 4 कैसे ला सकते हैं? 5 - 1 करके, है ना? 5 - 1 करके हम लोग 4 ला सकते हैं. तो -4 पर हम लोग कैसे पहुंचे? -1 टू द पावर 1 of 5 × 1 - 1. नेक्स्ट नंबर सोचो 9. हम लोग को साइन क्या चाहिए? प्लस. तो हम लोग को पावर में इवन नंबर चाहिए. इसका मतलब हम लोग को उस इवन नंबर को 5 के साथ भी यूज करना है इन सम वे. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ 5 × 2 - 1 ट्राई करेंगे. नेचुरली सबसे पहले हम लोग 5 × 2 - 1 ट्राई करेंगे एंड वी सी कि वी आर एक्चुअली गेटिंग अ 9. तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में आ सकते हैं. सर समझ में आ रहा है हाउ टू गो अबाउट इट? एक और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए थोड़ा. सेम नेचुरल नंबर्स यूज करके मैम i² + 1 और i का रेंज 1 से लेकर 15 तक.
सबको यही लग रहा कि यही करेक्ट है। कोई डाउट किसी को बोलो दी? नो मैम। चलो अब सिग्मा तो हो गया, जस्ट लाइक सिग्मा एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज द प्रोडक्ट साइन। तो ये प्रोडक्ट साइन क्या करते हैं, कौन बोलेगा? यस मैम, नाम से क्या समझ आ रहा है क्या करेगा? वेद मतलब जो भी इनपुट है उसका प्रोडक्ट निकालेगा ए इनटू बी इनटू ठीक है। तो अगर सपोज आई से प्रोडक्ट ऑफ 2i प्लस 1 i इज इक्वल टू 1 टू लेट्स से इंफिनिटी ले लेते हैं, तो ये क्या होगा? 3 इनटू 5 इनटू 7 इनटू 9 डॉट डॉट डॉट। बाकी लोग को यही लगता है? बाकी लोग को भी क्या यही लगता है? यस मैम। ठीक है, तो फिर मेरे को इसका प्रोडक्ट फॉर्म बोलो। ई इट विल बी ई रेज टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल 73। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो, ओके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो। अच्छा ई रेज टू आई और आई का रेंज 1 to 73। ठीक है, बताओ। सबसे पहले मैं कोई बताऊं कि सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर क्या है इसमें? पता नहीं है स्क्वायर स्क्वायर है, ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। वी कैन यूज टू आई नो टू तो नहीं आएगा। वापस से बोलो, क्लियर नहीं है। 1 by i square अल्फा टू द पावर आई। 1 by i square अल्फा टू द पावर आई। मैम आप इसमें वैल्यू डाल के देखिए। मैम 1 upon i square अल्फा टू द पावर आई माइनस 1। रेंज क्या होगा? आई इज इक्वल टू 1 to 16। सबको यही करेक्ट लग रहा है? दो से 16। अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करोगे तो आपका अल्फा टू द पावर 0 हो जाएगा। तो ऐसे अगर लिखना चाहते हो देन यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 2। और अगर मेरे को 1 से स्टार्ट करने का मैंने तो क्या करेंगे? हाउ कैन वी मॉडिफाई दिस? मेरे को 1 से स्टार्ट करके 15 पे खत्म करना है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 16। क्योंकि मान लो आपका जो चार ऑप्शन है एमसीक्यू का
उसमें चारों का आई रेंज आई प्लस वन द होल रेज टू स्क्वायर इनटू अल्फा आई करेक्ट ये हो सकता है। ठीक है वेरी गुड। अब जो समेशन है उसके बारे में एक स्पेशल फीचर है, क्या है? अगर सपोज आई राइट सिग्मा ऑफ अगर ऐसा कुछ लिखा मैंने तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिग्मा ऑफ आई प्लस सिग्मा ऑफ फोर आई स्क्वायर। तो मतलब अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट पे समेशन का सिंबल लगा के उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर भी तोड़ सकते हैं। कैसे? अब ये हम लोग क्यों करना चाहेंगे? Why will someone want to do this? I will tell you why. अगर आपका आई का रेंज बहुत ह्यूज है, ठीक है, ह्यूज आई का रेंज है, मान लो 1 to 100, हाँ, तो जब 1 to 100 है आपके पास, तो हम लोग सब स्कूल लेवल पे ये वाला एक्सपेंशन किए हैं कि अगर 1 + 2 + 3 + ……, विच मीन्स फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। सिमिलरली फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम क्या होता है? n into n plus 1 n plus 3 by 6। और कोई ट्राई करना चाहेगा? n n plus 1 2 n plus 1 by 6। या राइट। हाँ, तो जब हम लोग को पता है ये एक्चुअल में क्या है, ये सिग्मा आई है, मतलब कि अगर सपोज इफ आई वांट तो इसको हाउ कैन आई कैलकुलेट इट इन वन स्टेप? वन स्टेप में इसका आंसर कैसे मिलेगा? 100 into 101 by 2। इसका कैसे मिलेगा? 100 into 101 into 201 by 6। एवरीवन अग्रीज? हाँ यस मैम। तो जब हम लोग ऊपर ऊपर में हम लोग का समेशन में ये था आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to 100, तो एक्चुअल में हम लोग का सीरीज कैसा बन रहा था? अगर हम लोग 1 डालेंगे तो वी विल गेट 5, फिर उसके बाद 2 डालेंगे तो कितना आएगा? 2 + 4 × 2² = 18। अगर 100 डालेंगे तो आएगा 100 + 4 × 100² = 4100। उसको 4100 कभी मत बोलो, 4100। दिस इज 4100। 4100 भी नहीं है, क्या सबका 4100 होता है ना? 40,100 ये हो रहा है। तो अगर हम लोग को इसको सम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पहले इंडिविजुअली हर एक का वैल्यू निकालना पड़ता है। अभी 3 वैल्यू निकालने में हम लोग पूरा 60 सेकंड्स लगते हैं, तो ऐसे करके अगर हम लोग पूरा 100 वैल्यूज निकालेंगे तो पूरा 3 आवर्स हम लोग एक ही सम कर पाएंगे। इसीलिए वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट कि जो समेशन है उसको हम लोग
ओपन कर सकते हैं। तो ओपन कैसे करेंगे, जो जो चीज एड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको अलग अलग कर दो, सेपरेटेड आउट। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी अंदर में कॉन्स्टेंट है, इफ देर इज एनी कॉन्स्टेंट, तो ये चीज सोचो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें 1 + 4 × 1² + 2 + 4 × 2² + ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ब्रैकेट को हटा सकते हैं क्योंकि कोई भी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे सीन नहीं है, तो वी कैन इफ वी रिमूव द ब्रैकेट तो हम लोग ये 1 + 2 + 3 + …100 तक अलग कर सकते हैं कि हम लोग इनको एक साथ ऐड करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, वी विल बी रिमेनिंग विद 4 × 1² + 4 × 2² + 4 × 3² + …4 × 100² इन सबसे 4 कॉमन आ सकते हैं। करेक्ट, तो हम लोग टू थिंग्स कर सकते हैं समेशन में, अगर कुछ भी एडिशन है तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, एंड अगर अंदर में कोई भी कांस्टेंट है जो जब आप उसको एक्सपैंड करोगे और वो कांस्टेंट कॉमन आ सकते हैं, तो टेक दैट कांस्टेंट आउटसाइड द समेशन। तो आपको हर बार उस नंबर को × 4 × 4 कर करके ऐड नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली नंबर्स को ऐड करके, मतलब आई का वैल्यूज को ऐड करके आंसर को इंटू फोर भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट 4 इज एक्चुअली कमिंग आउट कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग सो मच मेहनत हम लोग सिग्मा ऑफ आई इससे निकाल सकते हैं, सिग्मा ऑफ आई स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, थर्ड स्टेप में हम लोग इसको इंटू फोर कर देंगे एंड फोर्थ स्टेप में दोनों को ऐड कर देंगे। इतना इजीली हम लोग का काम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द समेशन साइन। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ समेशन साइन में हम लोग क्या टू थिंग्स कर सकते हैं, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उसको सेपरेट आउट कर दो, एंड अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो उसको कॉमन लेके समेशन के बाहर लिख लो। मैम समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला क्या है? समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला मेरे ख्याल से एन इंटू एन प्लस वन स्क्वायर है, एक सेकंड। मैम एन इंटू एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर। हाँ बढ़िया, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर, एक सेकंड। ये तो क्लियर है समेशन और प्रोडक्ट। क्या होता है बायनोमियल एक्सपेंशन? And a plus b whole to the power n is equal to n c 0 a to the power n b to the power 0. I don't know whether it's correct or not.
बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। एन सी जीरो ए टू द पावर एन बी टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर जीरो बी टू द पावर वन प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। पहले फॉर्मूला कॉपी करो पूरा। मैम एन पी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स क्या क्या फॉर्मूला में एन पी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स होगा कहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन में इफ पी प्लस क्यू टू द पावर एन बाइनोमियल एक्सपेंशन का तो यही फॉर्मूला है। This is for perfect powers. Positive powers मतलब क्या हुआ कि n is greater than zero. या फिर वैसे आप जो बोल रहे हो पी मतलब परम्यूटेशन वाला पी नहीं तो वेरिएबल वाला पी बोलो एक बार वापस से क्या बोल रहे हो एन सी ए पी पी सी है याद ही नहीं आ रहा उसका मैम ही माइट बी सेइंग एन सी पी ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो और जहाँ पे भी वन लिया ना वहाँ पे पी ले लेने का जहाँ पे भी वन लिया वन कहाँ लिया वन तो सिर्फ इसमें लिया लाइक नंबर्स लिए वहाँ पे अच्छा P belongs to natural Sorry. numbers, so it will be 1, 2, 3. ये बोलना चाह रहा हूँ। अभिषेक, were you trying to say this? No, ma'am. राशि, आप ये बोलना चाह रहे थे? यस मैम ठीक है ये भी क्यों करेक्ट है क्योंकि इसके बाहर एक सिग्मा होगा और सिग्मा में हम लोग का पी विल गो फ्रॉम जीरो टू एन यस यही मेन फॉर्मूला था लाइक फाइनल फॉर्मूला तो ये क्या करें अभी हम लोग जो समेशन सीखे उसी को यूज करके हम लोग ये बड़े फॉर्मूला को कंडेंस कर दे रहे हैं इनटू वन सिंगल टर्म या वन सिंगल एक्सप्रेशन हो गया सबका कॉपी है अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे एक तो एकदम बेसिक यूज है कि अगर आप लोग को टू नंबर्स दे दिया है या फिर टू वेरिएबल्स दे दिया है रेस्ड टू अ पॉजिटिव पावर तो इस को यूज करके इस एक्सपेंशन को यूज करके यू कैन फाइंड इट आउट जैसे हम लोग क्या करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही एक पार्ट है क्योंकि यहाँ पे इफ यू पुट एन की जगह टू तो आप लोग देखोगे यू जस्ट गेट थ्री टर्म्स और वो थ्री टर्म्स विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए प्लस बी होल क्यूब का भी सब फॉर्मूला किए हैं आपको
वो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही आया है। अब इसमें सम्स कैसा आ सकते हैं? लेट्स से एक क्वेश्चन करूं, ये एक एक्सपेंशन है, ठीक है? इसको आपको एक्सपैंड करना है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, एंड द क्वेश्चन इज कैसे करोगे? सिक्स सिक्सटीन नहीं है। अच्छा, मैं को ये बोला हाउ विल वी गो अबाउट दिस सम? I'm 6C0, 2A whole to the power 6, 5B whole to the power 0. नहीं, तो अब देखो पूरा हम लोग को एक्सपेंशन लिखने का जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हम लोग को खाली ए टू द पावर फोर का कोएफिशिएंट चाहिए। ए के पावर में फोर कब आएगा? जब ये थिंग टू द पावर फोर रेज होगा। यहाँ पे एन क्या है? एन इज सिक्स, तो क्या होगा? 6C0, ए टू द पावर 6, बी टू द पावर 0। यहाँ पे ए ये पूरा चीज है और बी ये पूरा चीज है एक बार, क्योंकि आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला। ऐसे कर करके ए की पावर में 4 कब आएगा? थर्ड वाला में, थर्ड वाला में आएगा ए की पावर में 4। हाँ, तो मेंटली हम लोग ये कर लिए, ए की पावर में 4 आएगा जब थर्ड वाला। अगर सपोज यहाँ पे 2A² होता तो कौन सा टर्म में आता है ए के पावर में 4? सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कैसा? सेकंड वाले में तो हो जाता 6C1, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकेंड लास्ट वाले में ए के पावर में 4 आता। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता, 2A² हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग के पास है 2A²
और ए टू द पावर फोर का कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि उसमें ए टू द पावर फोर होना चाहिए एंड उसके अलावा जितना भी चीज है ऑल दैट इज आर कोएफिशिएंट। तो ए टू द पावर फोर कब आएगा, जब इस पूरे चीज को हम लोग टू से रेस करेंगे। तो इस पूरे चीज को टू से कब रेस करेंगे हम लोग, के सेकेंड लास्ट वाले में, नॉट इवन सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट में। थर्ड लास्ट में क्यों, क्योंकि लास्ट वाले में जो ए टर्म होते हैं उसके पावर में जीरो होते हैं, सेकेंड लास्ट वाले में ए टर्म के पावर में वन होते हैं एंड थर्ड लास्ट वाले में ए टर्म के पावर में टू होते हैं। और हम लोग को पावर में टू चाहिए ए टर्म के, तो इसीलिए थर्ड लास्ट वाले में हम लोग का इस केस में ए टू द पावर फोर का कोएफिशिएंट आता है। यहाँ पे हम लोग का थर्ड वाले में आएगा बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट ए टू द पावर फोर, तो थर्ड वाला। तो अब हम लोग को ये पता है कि हम लोग को थर्ड वाले को ही खाली एक्सपैंड करना है, बाकी को हम लोग को इस पूरे चीज को एक्सपैंड करने का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव एब्सोल्युटली नो नीड इसका। तो क्या होगा थर्ड वाला बताओ, मैं कौन बताएगा थर्ड वाला टर्म क्या है? 6c2 + a^2 × b^2। अब a की जगह मेरे को 2a बोल दो करो। पूरा वाला चीज बोलो। करेक्ट? यस मैम। अब इसको क्या होगा, a टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालो। अब इससे मतलब कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना होगा, a टू द पावर 4 का, ये जो a टू द पावर 4 है इसको एकदम अलग कर दो और इसके अलावा जितना भी चीज है सबको मल्टीप्लाई और मिला जुला दो, जो करना सब कर दो एंड जो भी तुम्हारा को आंसर आएगा दैट विल बी अ कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4। मैम 6000 b^2। पावर फोर इज 16, 5 टू द पावर 2 इज 25 एंड बी स्क्वायर। और ये सब के अलावा में वी हैव ए टू द पावर 4। तो ये पूरा क्या होगा, सबको क्लियर है ये चीज? अब देखो इस फॉर्मूला का ड्रॉबैक क्या है कि पावर में सिर्फ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। हाँ बट हम लोग बहुत बार देखते हैं पावर में फ्रैक्शंस रहते हैं, पावर में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, तो वो हम लोग कैसे डील करेंगे उनके साथ? तो
तो उसके लिए है एक दूसरा फॉर्मूला, बट उस फॉर्मूले में ड्रॉबैक क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा वन होगा और सेकेंड नंबर कुछ भी हो सकते हैं। हो गया सबका कॉपी हो गया। ये है एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन, जो पॉजिटिव नंबर का एक्सपेंशन था उस पे लिमिट था कि एन सी एन ए टू द पावर जीरो बी टू द पावर एन पे वो एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग के पावर में नेगेटिव नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस होते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, इट विल गो ऑन टिल इंफिनिटी। तो इसीलिए इस एक्सपेंशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या होता है कि जैसे जैसे वो इन्फिनिटी में जाएगा वैसे वैसे हम लोग का x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, माइनस वन और वन के बीच में, विच मीन्स कि वो सम फॉर्म ऑफ डेसिमल में ही होगा। हाँ, तो कोई भी डेसिमल नंबर को आप जितना मल्टीप्लाई करते जाओगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का पावर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, कुछ 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 टाइम बाद एक्स के पावर में 10 आ जाएगा। तो इफ यू सी कैलकुलेटर पे 0.5 को आप क्यूब करो तो आपका आंसर आ रहा है 0.125, एंड 0.5 को आप 10 के पावर में रेज करो तो आपका इंटू 10^-4 आ जाएगा, विच मीन्स कि आपका इतना सारा डेसिमल प्लेसेस आ रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे और छोटा होते जा रहा है। दिस इज जस्ट 10, इट विल गो ऑन टिल 100, टिल 1000। तो जब वो होगा तो वो नंबर इतना स्मॉल हो जाएगा कि उसका कोई नेग्लिजिबल वैल्यू बचा रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो आपको सोल्यूशन निकालना है वो सिर्फ मान लो एक्स क्यूब तक निकालना है या एक्स टू द पावर 5 तक निकालना है, एंड सिर्फ आपको वो 4 या 5 टर्म्स को ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर अप्रोक्सीमेट आंसर। एग्जैक्ट आंसर आ नहीं सकता कभी क्योंकि इनफाइनाइट है, यू कैन नेवर एड अप ऑल ऑफ देम। तो इसलिए एक अप्रोक्सीमेट आंसर कैन कम क्योंकि दे विल स्पेसिफाई कि इतना टर्म्स तक ही आपको आंसर लेना है। तो एक एग्जाम्पल करो ताकि उससे क्लियर होगा ज्यादा। √1-2x को एक्सपैंड करो
अप टू एक्स क्यूब वाला टर्म, मतलब जिस टर्म में एक्स क्यूब आएगा उस टर्म पे आपको स्टॉप हो जाना है। आप आ रहे सब वापस। गया सबका। सब कैमरा ऑफ करके कहाँ चले गए? अच्छा रूट को हम लोग पावर में कैसे लिखते हैं? हाँ हाफ बोल। मैम एक्स की जगह हम लोग -2x लिखेंगे कि -2 लिखेंगे? -2x पूरा लिखेंगे। क्योंकि हम लोग को मैच करना होगा 1 प्लस x टू द पावर n से, है ना? तो 1 ही रहेगा।
x will take our value minus 2x and n will take value 0.5. अब बोलो किसी का कुछ तो आया होगा. मैम मेरा आया 1 माइनस एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स क्यूब. बाकी लोग का क्या है? क्या है राखी लोग का? मैम 1 माइनस एक्स प्लस 0.25x² माइनस 0.5x³. आपका क्या आ रहा है विषय? ऊपर वाला आ रहा है. अच्छा मैम वन लोगों ना 4x² होगा. बाकी लोग का क्या आ रहा है? मेरा भी ऊपर वाला आ रहा है. अब देखो करेक्ट ऊपर वाला ही है. अदिति का आ रहा है ना ये? यस मैम. तो क्या किया आपने एक्सपेंशन में? फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस nx. तो 1 n है हम लोग का 0.5, x है -2x, तो ये हो गया -x. तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म है n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल. पहले तो n इंटू n माइनस 1 कितना होगा? हाफ इंटू हाफ माइनस 1 कितना होता है? होल थिंग बाय 2 फैक्टोरियल इनटू x स्क्वायर. x स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2x का स्क्वायर. मेन आपका इस टर्म में गलती आ गई है ना? आपका यही आया है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आई मीन.
थर्ड टर्म यही आया, इसी को एक्सपैंड करके आप लाए हो आंसर? यस मैम आ गया, क्या गलत हुआ? सबसे पहले तो ये साइन माइनस होगा क्योंकि ये वाले चीज का साइन माइनस हो गया और इसका प्लस हो गया, तो माइनस साइन आएगा। यहाँ पे 1/4 आएगा ऊपर में और नीचे में 2 है, तो इसीलिए हमें को नीचे में आ जाएगा 1/8 और ये है 4x2, इसलिए -1/2x2। क्लियर है? बाकी सबको भी समझ में आया कैसे आया? वेरी गुड। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस बायनोमियल एक्सपेंशन। इसमें 2 कंडीशंस है। अब ये चीज याद रखना कि यहाँ पे x क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, मेरे को बताओ। अगर हम लोग ये एक्सपेंशन यूज करना चाहते हैं तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? -1 से 1 के बीच में, 1/2 से बड़ी सारी वैल्यू दे सकते हैं। सॉरी 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 माइनस हाफ और हाफ के बीच में। क्यों? टू, क्योंकि इनटू 2 हो रहा है, वो डबल होने ही वाला है, तो हाफ वैल्यू से आधी वैल्यू से होनी चाहिए। तो इस ये हम लोग का कंडीशन होता है क्योंकि ये पूरा चीज एक्स है, तो ये हम लोग का कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करने से यू विल गेट, क्लियर? सॉरी इक्वल टू, हाँ अब दो बहुत छोटा छोटा चीज है। क्या होता है मैम, कोई भी चीज किसी सीरीज में होती है तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कोई भी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज तो कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म सेम होगा, वो सेम होता है इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी डिनोट्स कि डिफरेंस कॉमन है, मतलब डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम होने से वी टर्म इट एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हम लोग हर नंबर में एक फिक्स्ड कांस्टेंट को ऐड करते हैं और उससे हम लोग का नेक्स्ट टर्म आता है। वो जो फिक्स्ड कांस्टेंट है दैट इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग फिक्स्ड कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे तो हम लोग टू सब्ट्रैक्ट करें, बहुत जन बोलेंगे यहाँ पे व्हाट आर ऐड कर रहे हैं, एग्जैक्टली फिक्स्ड कांस्टेंट है, सो द डिफरेंस विल बी -2। कभी भी डिफरेंस इक्वल टू 2 लिख के मत आना, इसका डिफरेंस इज -2। हाउ डू यू फाइंड आउट द डिफरेंस? तो हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला, ये रूल हमेशा याद रखना फॉर अ कॉमन डिफरेंस। क्लियर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होते हैं, +(n-1d) वापस बोलो, +(n-1d) यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म्स एंड d कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ep क्या होता है, 2n/2 2a+(n-1d) फॉर्मूला लिखते हैं।
हो गया सबका कॉपी? मेरे को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताओ क्या होते हैं। ARN-1 होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, हम लोग एक फिक्स्ड कांस्टेंट को ऐड ऐड करते हैं। ज्योमेट्रिक रेशियो ऑफ प्रोग्रेशन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू रेशियो T2 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू T3 बाय T2। तो मतलब हम लोग यहाँ पे एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, या एक कॉमन फैक्टर से फिक्स्ड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को, उससे हम लोग का नेक्स्ट टर्म आते हैं, करेक्ट? तो ये हम लोग का nth टर्म ऑफ अ जीपी, वेर आर इज द कॉमन रेशियो। और आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। एसेंट क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? ए ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। लेकिन इसमें दो वाला होता है, लाइक इफ आर इज ग्रेटर देन वन दिस इज द फॉर्मूला, एंड इफ आर इज लेस देन वन इट्स उल्टा, लाइक वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। तीसरा भी होता है तो एल आर माइनस ए बाय लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म भी, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ तो अलग फॉर्मूला रहता है, क्या होता है? एल आर माइनस ए बाय आर माइनस वन। आज तक कभी मैंने ऐसा फॉर्मूला इसमें जरूर किया वो तो लास्ट टर्म वाला, एरिथमेटिक में, हाँ वही एरिथमेटिक में आया था। ये वाला ज्योमेट्रिक में फॉर्मूला भी होता है, है, हो सकता है होता। बट जो भी है ये सब फर्स्ट और लास्ट वाला तो इसका भी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं कराया। और अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, विच मीन्स अ कन्वर्जिंग ज्योमेट्रिक सीरीज जो कभी खत्म नहीं होता, उसका सम कैसे निकालेंगे? a upon 1 minus r ठीक है, कॉपी कर लो सब। आज का लास्ट टॉपिक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। माइनस रूट माइनस वन, रूट माइनस आई का वैल्यू क्या होता है? रूट माइनस वन। यस मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आयोटा वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे। बोथ द टर्म्स विल बी एडेड सेपरेटली और आई को कॉमन देंगे, मतलब वी विल ट्रीट आई जस्ट एज अ वेरिएबल। सिमिलरली हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? मैम
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको याद है धीरे धीरे कुछ ऐसा किया हुआ है लाइफ में यस मैम कभी ना कभी। ठीक है तो मेरे को सबसे और रैशनलाइजेशन कैसे करते थे याद है? हाँ इनटू आई एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इनटू आई लेके। तो बेसिकली अगर कभी भी हम लोग के पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसके डिनोमिनेटर में भी एक आई का टर्म है तो हम लोग का एम इज कि डिनोमिनेटर में हम लोग को कोई आई का टर्म नहीं रखना। वी जस्ट वांट वन सिंगल आई इन आवर एंटायर एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? वन माइनस टू आई होता है मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि हम लोग कैसे आई को हटा सकते हैं? आई स्क्वायर की जगह हम लोग एक माइनस वन लिख सकते हैं तो मतलब हम लोग को डिनोमिनेटर में जो आई है उसको आई स्क्वायर बनाना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करके। क्लियर? टू मेक इट इन दैट फॉर्म ये ए प्लस बी है हम लोग इंटू ए माइनस बी की एंड जो हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लोग को न्यूमिनेटर में भी यूनिफॉर्म करने के लिए करना होता है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? माइनस फोर माइनस सेवन आई अपॉन फाइव। यार आया ए प्लस आई के फॉर्म में डिनोमिनेटर में नो कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट। अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा? रूट अंडर माइनस फोर बाय फाइव होल स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का होल स्क्वायर। नो बोलो क्या हुआ? प्लस माइनस सेवन बाय फाइव का होल स्क्वायर मैम वन होगा। ए प्लस वन होगा मैम। रूट 79 बाय 5 आएगा सर। रूट 79 बाय 5 रूट 79 रूट 79 बाय 5 आई कैसे? हां मेरा रूट 65 बाय 5 आ रहा है। रूट 65 बाय 5 इज द करेक्ट आंसर। रूट क्लियर? एक सम करो। Not very difficult. सबसे पहले ये सारा कॉपी हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am, हो गया कॉपी।
क्योंकि आई स्क्वायर विल बी माइनस वन, आई फोर विल बी वन, ऐसे इट विल बी वन माइनस वन, वन माइनस वन, ऐसे जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा. ठीक है, तो अगर सपोज n इज इक्वल टू फोर तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस आई स्क्वायर प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स प्लस आई एट, है ना. ये क्या होएगा, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, पॉजिटिव आएगा शायद. अच्छा ठीक है, एन इक्वल टू फाइव लेते हैं तो ये होगा और एक माइनस वन आ जाए. Can't be specified. It can't be specified. क्योंकि it depends. अगर n odd होगा तो फिर वो हमेशा zero होगा. और अगर n even होगा तो फिर वो हमेशा positive होगा. Positive तो क्या one ही होगा. Clear है? बाकी yes, को clear है? ठीक है. एक और sum करो last आज का. ऑप्शन सी और
नहीं आ रहा, मैं समझ कैसे करना है। नहीं आ रहा। बाकी लोग वन मिनट। मैम बी ऑप्शन आएगा शायद, शायद बिकॉज मैम जो भी एम की वैल्यू अगर ओड होगी तभी वो माइनस वन के इक्वल होगा। एम की वैल्यू मैम ये जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यू माइनस वन तभी देगा जब एम ओड होगा। तब एम ऑड ही होना है, तब तो फिर वन में भी एम ऑड हो जाता है। बट मैम वन पे तो डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा था। ठीक है और बोलो, राशिद का समझ में आ रहा, अभिषेक बोलो और अदिति बोलो। तो माय गेस थ्री होगा क्योंकि अगर वन लेंगे तो एनीथिंग रेस्ट टू द पावर वन रिमेंस सेम। ठीक है सेम, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कैसे प्रोसीड करें। चलो सबसे पहले सब गलत हो, करेक्ट आंसर इज टू। अब ये देखो कैसे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, वन माइनस आई और वन प्लस आई से। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे सबसे पहले आप बंद करके उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाओ। हाँ तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से। ये आ रहा है मेरे ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन, तो मतलब कि मेरे को क्या चाहिए, माइनस आई टू द पावर एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, सॉरी प्लस वन। हाँ और माइनस आई टू द पावर एम इज इक्वल टू माइनस वन। तो हम लोग को पता है कि माइनस आई का स्क्वायर विच इज बेसिकली आई स्क्वायर इज माइनस वन, करेक्ट। अब मेरे को ये जानना, अगर आप लोग सपोज थ्री डालो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग थ्री और वन डाल के ट्राई करोगे ना तो फिर वो आंसर नहीं आएगा, टू डालते ही आंसर आ जाएगा इवन इफ यू डोंट प्रोसीड लाइक दिस। ठीक है अगर सपोज एग्जाम में नहीं स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या आएगा अपार्ट फ्रॉम जय माता दी, रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि यू विल स्टार्ट पुटिंग दीज वैल्यूज इन प्लेस ऑफ एम। तो सबसे पहले अगर हम लोग टू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा, वो अलग बात है। अगर हम लोग वन डालेंगे तो वी विल गेट वन माइनस वन बाय वन प्लस वन प्लस वन। तो अब हम लोग को इरिस्पेक्टिव इसको आके सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई तो करना ही होगा क्योंकि इसके साथ यू कैन नेवर प्रोसीड अंटिल एंड अनलेस इट्स ए प्लस आई बी फॉर्म में। तो जब आप कॉन्जुगेट ले लोगे सब कर लोगे, अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेने का ट्राई करें तो इसका कॉन्जुगेट लेने से वी विल गेट माइनस आई और एक प्लस वन। माइनस आई प्लस वन कभी भी जीरो नहीं दे सकता है ना, तो वन हम लोग का रूल आउट है। नेक्स्ट हम लोग टू ट्राई करेंगे क्योंकि हम लोग को चाहिए लीस्ट पॉजिटिव, तो नेचुरली हम लोग सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे पहला नंबर जो सैटिस्फाई कर देगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग टू के साथ ट्राई करेंगे, तो टू के साथ जब ट्राई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा वन माइनस आई बाय वन प्लस आई
होल स्क्वायर प्लस वन, बेसिकली ये सेम चीज पूरा और एक प्लस वन, माइनस आई का स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा इसको खोलने से, करके देखते रुक जाओ, सब कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। आया जीरो yes, no, no. तो इसीलिए अगर स्ट्राइक नहीं करे तुरंत की कॉन्जुगेट निकालना है तो हम लोग सीधा वैल्यूज डाल के भी वी कैन अराइव एट द आंसर। ओके क्लियर है सब कुछ आज हम लोग जो भी किए, कोई भी डाउट किसी को नहीं तो फिर आज हम लोग यही एंड करें। थैंक यू। मैं जस्ट वांटेड टू आस्क जैसे हम एसिड का फॉर्म फिल कर रहा था है ना, तो वहाँ पे बोलता है कि जो प्लेस से हम जो एड्रेस से एग्जाम देगा वो एड्रेस स्पेसिफाई करना था वहाँ पे, एंड वहाँ पे नेपाल का ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे नेपाल का ऑप्शन नहीं है। अच्छा आपने कौन सा फॉर्म भरा जिसमें और ये ऑप्शन दे रहा, मेरा तो फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा है। मेरा मेरा रजिस्ट्रेशन लिंक ही नहीं फॉर्म हो रहा है लाइक। ठीक है आप लोग मेरे को वन डे का टाइम दो, आज मैं वेबसाइट पे चेक करके नेक्स्ट क्लास आई विल गेट बैक टू यू ऑल कि कैसे फिल होगा क्या करना, और ये नेपाल वाला प्रॉब्लम भी आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है बाकी लोग का हो गया रजिस्ट्रेशन? मैंने ट्राई नहीं करा आज, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है बाकी लोग भी एक बार ट्राई करना, अगर बाय चांस किसी का भी हो तो लेट अस नो। ओके thank you all of you, bye bye, thank you.